दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मुझे अभी मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि सर, हमने लगभग 1.5 साल पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली थी अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए, लेकिन हम उसमें कोई भी बिज़नेस नहीं कर पाए और हमने ना उस कंपनी की बैलेंस शीट बनाई, ना आरओसी में कोई रिटर्न फाइल की, ना उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल की। दोस्तों मुझे लगा कि ये जो उन्होंने काम कर लिया है, ये एक इतनी बड़ी मुसीबत उन्होंने अपने सिर पर ले ली है, क्योंकि जो पेनल्टीज़ हैं और जो कंप्लायंसेस हैं, वो अगर आप एक कंपनी बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी अगर आपने कभी अपनी एक कंपनी बना ली, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या एक LLP, उसकी जो कंप्लायंसेज हैं वो अगर आपने पूरी नहीं की और ये 1-2 साल ऐसे बीत गया, तो दोस्तों मुझे पता नहीं आपके ऊपर कितनी पेनल्टी पड़ने वाली है। आज इस वीडियो में इस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी एक कंपनी बना ली है तो कौन कौन सी कंप्लायंसेज हैं जो आपको ज़रूर करनी है, और थोड़ी डिटेल में आपको ये भी दूंगा दोस्तों कि अगर आपने वो कंप्लायंसेज पूरी नहीं की तो आपको कितनी पेनल्टी या लेट फीस भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने बना ली है तो आपको जिस दिन आपकी कंपनी बन गई है उसके तुरंत बाद, अब तो क्योंकि एक स्पाइस प्लस फॉर्म भी आ गया है जहां पर आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाता है आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ, मैंने इस स्पाइस प्लस फॉर्म पर आपको पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि क्या क्या फैसिलिटी आपको फ्री में मिल रही हैं आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ में। तो दोस्तों अब आपका अकाउंट खुल गया, आपकी जो पेड अप कैपिटल है आपको तुरंत अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देनी है। और हाँ दोस्तों, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर आपको एक फॉर्म भरना है और उसको सबमिट कर देना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट पर। इस फॉर्म का नाम है दोस्तों INC 20A। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने ड्यू डेट पर, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भर देना है, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो दोस्तों कंपनी के ऊपर 50,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं ये फॉर्म भरने के लिए, यानी डायरेक्टर्स हैं या आपके कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनके ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से 1,000 रुपये की पेनल्टी और लगेगी। यानी जो पेनल्टी है वो कंपनी के ऊपर भी लगेगी और जो ऑफिसर्स हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जिम्मेदार, उनके ऊपर अलग से पेनल्टी लगेगी। दोस्तों दूसरी कंप्लायंस, आप अपनी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर भी बनाते हैं आपको उसकी पूरी डिटेल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट को देनी होगी एक फॉर्म में भरकर, जिसका नाम है INC 22। जी हाँ दोस्तों, आपको ये फॉर्म अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में देना होगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये समय से नहीं भरते तो क्या लेट फीस और क्या पेनल्टीज आपको भरनी पड़ सकती हैं। दोस्तों आपको अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग भी कर लेनी है, और इस बोर्ड मीटिंग में और तो जो काम होंगे वो ठीक है, साथ में आपको अपनी कंपनी के लिए जो फर्स्ट ऑडिटर हैं, जो आपके जो पहली AGM जब आएगी, यानी पहली बैलेंस शीट आपकी जब बनेगी उसके ऑडिट करने तक वो ऑडिटर अपॉइंट होंगे, उनका अपॉइंटमेंट भी कर देना है यहाँ इस पहली बोर्ड मीटिंग में। और दोस्तों अपॉइंटमेंट तो कर दोगे आप 30 दिन के अंदर जब आप बोर्ड मीटिंग करोगे उस बोर्ड मीटिंग में, लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को भी बताना होगा कि भाई हमने किस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है। और उसके लिए दोस्तों आपको मिलता है 15 दिन का टाइम आपकी बोर्ड मीटिंग से। यानी आप यूं समझ लीजिए कि आपकी कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई उसके 45 डेज के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को एक फॉर्म भर कर देना है जिसका नाम है ADT 1, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग कर अपॉइंट कर लेना है अपने ऑडिटर को।
और उस बोर्ड मीटिंग के 15 दिन के अंदर ये ईडीटी 1 फॉर्म जो है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के लिए होता है, वो सबमिट कर देना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। दोस्तों इसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप समय से ये नहीं करेंगे तो इसकी लेट फीस और पेनल्टी कितनी होती है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको बता दिया कि भाई आपको जो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जो, उसके बारे में इन्फॉर्म करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बारे में आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। आपको बोर्ड मीटिंग करनी है और फिर अपॉइंट करके अपने ऑडिटर का इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। दोस्तों अब मैं आपको एक और कंप्लायंस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी कंपनी बना ली है तो एक आपको जो डिपॉजिट के अलावा जितने भी आपने एक्सेप्ट किए हैं एडवांसेस, चाहे वो आपके कस्टमर से हो या बैंक से हो या NBFC से हो या डायरेक्टर से हो या रिलेटिव से हो या फ्रेंड्स, यानी जिससे भी अगर आपने कोई लोन या एडवांस ले लिया है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को उसकी पूरी डिटेल एक DPT-3 नंबर का एक फॉर्म है उसमें भर के आपको देनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। अब आप कहेंगे कि भाई कितने दिन में दे दूं, कब दे दूं? तो दोस्तों ये आपको 90 डेज के अंदर देनी है जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, यानी 31 मार्च को जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो हर साल उसके 90 डेज के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर आप समझ लीजिए, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये जो फॉर्म है DPT-3, इसमें ये सारी डिटेल, यानी एनी लोन और एडवांसेस ऑफ एनी नेचर अदर देन डिपॉजिट जो भी आपने लिया है, तो भैया ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये DPT फॉर्म भरकर आप प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको लेट फीस कितनी होगी और पेनल्टी कितनी हो सकती है। दोस्तों एक और फॉर्म है, आप MSME हैं या बिना MSME हैं, लेकिन आपको एक MSME 1 फॉर्म भरना होगा। अगर आप किसी भी MSME से कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं और आप उनका पेमेंट 45 डेज में नहीं करते हैं, तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आपको एवरी हाफ ईयरली, यानी 30 सितंबर का 30 दिन के अंदर, 30 अक्टूबर तक और 31 मार्च का अगेन 30 दिन के अंदर, यानी 30 अप्रैल तक ये MSME फॉर्म भरकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जमा करना होगा। और दोस्तों अगर आप एक MSME हैं और आपने कोई सामान बेच दिया है किसी को, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बायर आपको 45 डेज में पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए उनसे MSME एक्ट के अंतर्गत, तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स में इस इंटरेस्ट का प्रोविजन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक और कंप्लायंस जिसको हम बोलते हैं कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, उनके KYC आपको कन्फर्म करने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। और दोस्तों इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो फॉर्म बनाया है उसका नाम उन्होंने दिया है DIR-3 KYC। यानी दोस्तों ये आपको अपने जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी KYC हर साल देनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। इसकी डेट तो वैसे है 30 दिन आपके फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के, यानी 30 अप्रैल तक आपको हर साल ये फॉर्म जमा करना होता है। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि ये फॉर्म उनकी वेबसाइट पर ही नहीं आया है, इसलिए वो कभी कभी टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। बट दोस्तों ध्यान रखिए, इसकी डेट जो है वो 30 अप्रैल है हर साल। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि अगर ये फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर आ गया है तो आप इसको 30 अप्रैल तक जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। ये बात अलग है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसी साल इस फॉर्म को देर से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है तो वो आपको समय दे देंगे कि भाई हमने अब ये फॉर्म अपलोड किया है तो आप इस डेट तक इसको भर सकते हैं। दोस्तों पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक और कंप्लायंस हमसे कहा था करने के लिए। उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का KYC भी करके हमें दीजिए एक फॉर्म में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 22A यानी INC 22 फॉर्म उन्होंने एक बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का जो फोटो है वो ऐसे कैमरे से खींचिए जहां पर उसका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड साथ में आ जाए इनबिल्ट।
और उसका फोटो आप ऐसे खींचिए कि एक ऑफिस के बाहर का, एक ऑफिस के अंदर का। दोस्तों मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो पहले भी पोस्ट की थी, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। अभी इस बारे में ये क्लियर नहीं है कि ये जो INC 22 फॉर्म है आपके KYC रजिस्टर्ड ऑफिस को करने के लिए, वो इस साल भी आएगा या नहीं, और आएगा तो वो कब आएगा और उसकी डेट क्या होगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका KYC मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कभी भी मांग सकती है, हर साल भी मांग सकती है, जैसा उन्होंने पिछले साल डिमांड किया था। दोस्तों अभी जो कंप्लायंसेज हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, वो पूरी नहीं हुई है। आपने अगर एक कंपनी बना ली है तो आपको हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों एनुअल जनरल मीटिंग करने का जो समय है वो है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके 6 महीने के अंदर, यानी मैक्सिमम 30 सितंबर तक, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है दोस्तों वो 31 मार्च को खत्म होता है, तो उससे 6 महीने यानी 30 सितंबर तक आप ज्यादा से ज्यादा अपनी AGM कर सकते हैं। तो आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो आपने दोस्तों अगर अपनी AGM कर ली जो मैक्सिमम टाइम है यानी 30 सितंबर को भी, तो आपको उसके 29 अक्टूबर तक आपको ये AOC फॉर्म भरकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जमा करना होगा। दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई बात, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आप जब ये अपना AGM कर लेंगे तो आपको अपनी कंपनी की एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसको किया जाता है एक फॉर्म में जिसका नाम है MGT 7। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको 60 डेज का टाइम दे रहे हैं आपकी AGM होने के बाद, यानी मैक्सिमम 30 सितंबर तक आपको AGM करनी है। तो अगर मैं मैक्सिमम पीरियड लूं कि 30 सितंबर तक, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर यानी मैक्सिमम 29 नवंबर तक आप ये MGT फॉर्म भर दें प्लीज जरूर, जिसमें आपको अपनी कंपनी की एनुअल रिटर्न भरनी होती है। दोस्तों अभी मत थकिए, अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक ADT 1 फॉर्म भरना था बोर्ड मीटिंग के 15 दिन के अंदर, जहां पर आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था, वो आप 1 साल के लिए करते हैं। यहां जब आपका 1 साल हो गया, आपने अपनी कंपनी की पहली AGM कर ली, अब आपको फिर अपने ऑडिटर को, या तो आप उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं या कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट आप करेंगे इस बार दोस्तों, वो आप 5 साल तक के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपको इस ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की जो खबर है, जो सूचना है, वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को 15 दिन के अंदर देनी है आपकी AGM से। और फॉर्म दोस्तों वही है ADT 1। दोस्तों इसके अलावा आपको अपनी कंपनी की हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल करनी है। कभी भी इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि भैया मैंने तो अपना कोई बिजनेस करा नहीं, मेरी कोई इनकम नहीं, तो इनकम नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं। जी नहीं दोस्तों, अगर आपने अपनी कंपनी बना ली है तो या इनकम हो या लॉस हो या बिजनेस हो या ना बिजनेस हो, आपको अपनी कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे वो निल हो या लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, हर साल जरूर सबमिट कर देनी है। दोस्तों यहां एक दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, कि जो इसकी ड्यू डेट है कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो है 30 सितंबर हर साल। यानी आप अगर 31 मार्च 2019 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो इसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। और दोस्तों आप इसमें रिटर्न थोड़ी डिले भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो आप कर सकते हैं केवल अगले साल 31 मार्च तक। यानी अगर आपको अपनी कंपनी की 31 मार्च 2019 वाली बैलेंस शीट की रिटर्न फाइल करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप कभी भी किसी भी पेनल्टी के साथ अपनी कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अगर आपकी बैलेंस शीट में आपकी कंपनी में लॉस है और आप चाहते हैं कि मैं अपने लॉस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, यानी जब अगले साल प्रॉफिट होगा तो भैया उससे इस साल के लॉस को सेट ऑफ कर दूंगा, तो दोस्तों आपको अपनी कंपनी की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो हर हालत में
ड्यू डेट पर ही जमा करनी होगी। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आप कर तो सकते हैं एक साल के अंदर अंदर अगले साल 31 मार्च तक, लेकिन अगर लॉस है और आपने 30 सितंबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आप इस लॉस को अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बताता हूं लेट फीस और पेनल्टी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको देना चाहूंगा। ये जो एनुअल फाइलिंग है यानी जो आपकी बैलेंस शीट है और जो आपकी एनुअल रिटर्न है उनको अगर आप देर करते हो जमा करने में तो दोस्तों आपको हर रिटर्न के लिए 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। और दोस्तों और जो फॉर्म है उनमें लगभग अगर आप डिले करते हैं तो जो लेट फाइलिंग है वो 1 टाइम से लेकर 12 टाइम्स तक है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर 300 रुपये की नॉर्मल फाइलिंग फीस है तो आपको अगर आप डिले करते हैं उसकी तो आपको 3600 रुपये तक और भी देने पड़ सकते हैं एज लेट फाइलिंग फीस। दोस्तों इसके अलावा जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आपकी बैलेंस शीट देखेगी कि आपने भैया ये रिटर्न ये एनुअल फाइलिंग लेट की है तो वो किसी भी केस में पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती हैं और वो पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों ये सारी डिटेल मैं आपको एक बहुत डिटेल्ड वीडियो में अपनी जो MSME की पाठशाला है उसमें वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा बहुत जल्द। मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक ये MSME की पाठशाला डाउनलोड कर ली होगी क्योंकि यहाँ इस YouTube चैनल पर मैं समझता हूँ कि जब वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट उसमें थोड़ा कम हो जाता है। आप चाहते हैं कि शॉर्ट में मैं यहाँ आपको जो कंप्लायंसीज हैं जो पेनल्टीज हैं जो लेट फाइलिंग फीस है या और भी जिस स्कीम के बारे में बताता हूँ तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ क्योंकि मुझे आपके कमेंट आते रहते हैं कि भाई इतनी लंबी लंबी वीडियो मत बनाओ। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या कंप्लायंसीज हैं, क्या लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है, क्या पेनल्टीज हो सकती हैं और इसका पूरा डिटेल क्योंकि इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं अपना जो मोबाइल ऐप है जो अभी एंड्रॉयड फ़ोन पर अवेलेबल है जिसका नाम है MSME की पाठशाला जिसका मैं लिंक भी यहाँ पर दे रहा हूँ वहाँ पर आपको वो सारी डिटेल मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन कोई और एक्सपर्ट एडवाइस हमसे चाहें तो प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए info@msmehelpline.com पर। और जो मेरी टीम है एक्सपर्ट्स जो मेरे साथ हैं मेरी उनसे गुजारिश है रिक्वेस्ट है कि वो हर मेल का जवाब आपको जरूर और समय से देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार धन्यवाद।